भाई ये देखो यहाँ पे कितना गंद है, मेरा गंद है भाई। हाय 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 हाय, छी यार छी। भाई लोग देख रहे हो यहाँ पे, अरे 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 बाप रे बाप, यहाँ पे देखो जरा, ये देखो भाई चकला पार्टी बनी हुई है यहाँ तो। ओ भैंस की पूछ, भाई लोग मुझे इस तरह के लोग अक्सर बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई किसी की अगर रात को बाइक खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट यार हेल्प करनी चाहिए। और मैं भी ऐसे भाई बहुत हेल्प करता हूँ। देख रहे हो अब हाई बीम नज़र आएगा तो रोड नज़र है भाई। आज वाकई में मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि आज भाई बहुत ज़्यादा खाली, पीछे का माहौल देखो, देख रहे हो पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कुछ भी। यहाँ पे मैटर ही कुछ और चल रहा है। तो भाई लोग हम पहाड़ों वाली जगह पे फिर से एक बार आ चुके हैं भाई, बहुत बहुत दिन पहले आए थे और आज आए हैं भाई। सही बताऊं ये बहुत ही बढ़िया और ये मेरी बहुत फेवरेट जगह है। इसे अगर आप दिन में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मनाली शिमला जैसे टूर में आप घूम रहे हैं, और वाकई में दोस्तों ऐसी ही जगह लगती है कि शिमला मनाली, मनाली कह रहा हूँ मनाली, क्योंकि ये देखो ये सीधा पहाड़ों की तरफ, सीधा नीचे से सीधा ऊपर की तरफ झाड़ा पहाड़ों की तरफ। ये थोड़ी सी गंदगी है बट लेकिन ईमानदारी से भाई बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि बारिशों की वजह से अभी फिलहाल ये सूख गया है ना, बारिश की वजह से सारा सत्ता गंद बनता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और भाई सही बताऊँ बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत मज़ा आएगा बंदे को। लेकिन ये वैसे मैं कहूँगा अकेले घूमने लायक जगह नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर लेफ्ट में भी जंगल है और प्रॉपर राइट में भी जंगल है। और भाई यहाँ पे अगर गाड़ी स्कूटर घोड़ा बकरी भैंस कुछ जो खराब हो गया ना, तो तुम्हारी समझ लो लंका लगनी तय है, क्योंकि तुम डर से ही मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे कोई 2000% श्योरिटी हेल्प तुम्हारी नहीं करेगा। और कारण पता क्या, हेल्प कोई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये अंधेरी जगह है। ये देख लो इस तरह के चिंदी चोर यहाँ पे, भाई गांव में कुछ भी हो सकता है। तो भाई इस चीज़ से कहूँगा रात को निकलते हो ना, कोई आसपास हरकत करने लगे कुछ लगे तो वहाँ से भाग जाना, रुकना मत। और मेरा तो 200% क्लियर है, मैं तो गायब हो जाऊँगा मंटू का, मंटू का बन, क्योंकि पीछे देखो माहौल जरा देख रहे हो, ये नेशनल हाईवे है, कुत्ता बिल्ला नहीं भोंक रहा। और आगे आगे थोड़ा बहुत लाइट चल रही तो नज़र आ रहा है भाई। सही में ईमानदारी से भाई बहुत गंदी जगह है भाई ये, पर मज़ेदार जगह है। चलो भाई पंप पे चलते हैं, हवा डलवाते हैं, अपने स्कूटर में हवा कम है, चलो चलते हैं। भाई लोग हमने यहाँ से सेल्फ सर्विस हवा डाली है, कारण खुद डालनी पड़ गई, क्लियर था, क्योंकि भाई लोग यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो खुद शुक्र है कि पंप वालों ने एटलीस्ट हवा खोल रखी कि इमरजेंसी कोई हो जाए तो एटलीस्ट आप हवा डाल सकते हो। तो भाई ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि बंदे ने यहाँ पे हवा के खोली छोड़ रही, मैंने खुद ही हवा डाल ली। तो चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। भाई लोग चलो हम पहुँच गए हैं भाई, सही बताओ काफ़ी दूर, तो यहाँ पे अब चाय पीते हैं भाई। चलो चाय शाय अब आए हैं तो चाय पी के ही जाएंगे, चलो दोस्तों चाय पीते हैं यहाँ पे। तो भाई लोग अब हमने चाय शाय पी के तो निकल गए भाई, यहाँ से अब हम यू टर्न मारे तो फंसते हैं। और ये देखो भाई लोग, ओए भाई कितना बड़ा सांड है, ये देखो डेवलपमेंट हरियाणा की, गुड़गांव की। तो भाई अब होगी, पिछली तो भैया बहुत बुरी रही है, आगे बंदे अब देखो कैसी करते हैं। ओ भाई गजब सांड, चाय चाय पी के अब यहाँ निकल के, सही बताओ चाय तो बहुत ही गजब थी, जितनी मैं बोलूँ उतनी भाई उसकी तारीफ कम होगी। चाय बहुत 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 ही टेस्टी थी, मज़ा आ गया भाई चाय चाय पी के। चलो भाई अब खिंचा मारते घर की ओर, क्योंकि यू टर्न मारे और खिंचा मारते वरना फंस जाएंगे, बहुत देर हो चुकी है, अब घर भी जाना है, सोना भी है, क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर भी देख रहा हूँ, मिर्ज़ापुर अभी पार्ट 2-3 तक ही पहुँचा। और भाई यहाँ तो कुछ और ही गंद है। ओ भाई दिखा देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मैटर ही कुछ और चल रहा है। ओ भैंस की पूछ, ये देखो भाई चकला पार्टी बनी हुई है यहाँ तो। ओ भैंस की पूछ भाई, ये देखो यहाँ पे कितना गंद है, मेरा गंद है भाई। हाय 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 हाय, छी यार छी। भाई लोग देख रहे हो यहाँ पे, अरे 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 बाप रे बाप, यहाँ पे देखो जरा, हाय 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 हाय, वाहे आप लोग हर क्लास। सामने पुलिस की गाड़ी है भाई, देख कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं यहाँ। भाई साहब ये देखो इन्होंने तो भाई गंद मचा रखा है, मेरा गंद। ओ भाई ये क्या है, ये गुड़गांव है क्या है, ये हद हो गई, हद निरा गंद। गुड़गांव का काला सच काला चिट्ठा भाई, ये कहूंगा कि भाई साहब नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं और कितने गंदे तरीके से हो रहे हैं भाई, ये हद ही हो गई भाई, हमारे गुड़गांव का सत्यानाश कर रखा है। वैसे मैं तो दिल्ली रहता हूँ
बट लेकिन भाई मेरे यहाँ पे तो लाजपत नगर का बेड़ा गर्क गुड़गांव निकल गया, लाजपत नगर का भाई बेड़ा गर्क कर रखा है, और भाई ये कहूँगा गुड़गांव का उससे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है भाई, हद हो गई। मतलब कितने ओपनली कितने ईजी से भाई साहब, जैसे क्या ही बताऊँ, समोसा सब पकौड़े लेने जा रहे हैं ऐसे तो भैया खड़े हुए हैं, और समोसे पकौड़े से ज़्यादा भाई क्वान्टिटी में खड़े हैं, और मैं खुद हैरान हूँ इस चीज़ से कि भाई ये क्या ही हो रहा था। और भाई जो कई लोग हो सकते हैं मेरी वीडियो को नेगेटिव लेंगे, भाई नेगेटिव मत देना, नेगेटिव बात कोई भी नहीं है, मैं जस्ट जा रहा हूँ और जाते जाते सारी चीज़ शूट करता हुआ बताता हुआ जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, कुछ गलत इंटेंशन मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि कई लोग कलाकार बहुत होते हैं भाई, काट पीट के सारा कहीं जोड़ दे और बताए कि भाई खुद तो बैंगन ले गया था। तो भाई यही बताऊँगा कि वहाँ पर भाई घूमते घूमते जा रहा था। तो दूसरी चीज़ है भाई, आप लोगों ने वहाँ के हालात तो देख ही ले होंगे। चलो दोस्तों ये तो चलता रहता है, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब क्या ही बोले, बाहर के देशों में सारी चीज़ें फ्री हैं, बट इंडिया में अभी नहीं हुई इतनी ओपनली, और गुड़गांव जैसे और लाजपत नगर जैसे में बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो भाई क्या ही बोले इससे ज़्यादा, अब ये काम गवर्नमेंट का देखने का, पुलिस का देखने का, हमारा काम नहीं है। तो हम भाई लोग यहाँ से चलते अपने घर। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ओके कर देना, मैं जब करते नहीं हूँ मुझे पता है, फिर भी कहता हूँ ओके कर देना भाई लोग, इज्जत खराब करने में लग रहा है। तो एक साल हो गया मुझे मेहनत करते हुए, एक दिन वायरल तो वीडियो ढंग से हो ही जाएगी, और उसके लिए टाइम लगेगा ही, मैं मानता हूँ। धीरे धीरे होली होली मेन तारा आग हूँ आया, पहला पहला हर बंदा आग हूँ आया, मे बी जब मैं बड़ा बन जाऊँ तो ये चीज़ मैं अपने फ्यूचर में आऊँगा, तो इस क्लिप को ज़रूर ऐड करूँगा कि मैंने ये कभी बोला था। तो चलो दोस्तों मेरी तरफ से गुड नाइट। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।